हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां जपन चर्चा करने वाले हैं अपने जनरल साइंस या फिजिक्स का एक मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स, यानी कि जो यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इसमें मात्रक, विमा, गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन सब के क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। इन सब से मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। तो बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, यह होता है जूल होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय, प्रकाश तीव्रता या द्रव्यमान। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वह किसकी इकाई अपन मानते हैं, दूरी की इकाई मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। एम्पियर मात्रक होता है प्रकाश तीव्रता, विद्युत आवेश, विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर मात्रक होता है, किसका मात्रक मानते हैं दोस्तों अपन, विद्युत धारा का मात्रक मानते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। पारसेक जो इकाई होती है वह किसकी इकाई होती है, दूरी, समय, प्रकाश की चमक या चुंबकीय बल की। तो पारसेक जो इकाई होती है वह किसकी होती है, दूरी की होती है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लैश, दोनों का या कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो मात्रक होता है ना वह ज्योति फ्लक्स का होता है। बी ऑप्शन अपना राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है आपने, क्यूरी किसकी इकाई होती है, रेडियोएक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा की। तो क्यूरी जो इकाई होती है वह होती है रेडियोएक्टिव धर्मिता की। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दाब का मात्रक है पास्कल, डाइन, अर्ग या जूल। तो दाब का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है, पास्कल होता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंडेला किसका मात्रक होता है, कैंडेला, ज्योति फ्लैश, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला जो मात्रक माना जाता है ना दोस्तों वह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वह कब लागू की गई, मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, 1969, 71, 83 या 91। तो यह कब लागू की गई थी, यह हुई थी 1971 में हुई थी। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग। तो जो खाद्य ऊर्जा होती है उसे कैलोरी के अंदर अपन मापते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई बतानी है। तो देखिए, एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम। तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है ना दोस्तों वह क्या होती है, एम्पियर होती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट, डायप्टर, ऑप्टर या मीटर। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, उसे डायप्टर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेसिबल किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि तीव्रता या वायु में कण। तो डेसिबल जो होती है
वह मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता यानी वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, एम्पियर नापने की इकाई होती है, तो एम्पियर नापने की जो इकाई है वह क्या होती है, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या पावर। तो इनमें से अपन मानेंगे क्या होती है दोस्तों, तो वह होती है अपने विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा नापने की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है ना दोस्तों, वह क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, निम्नलिखित युग्म में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है, बल एवं दाब, कार्य ऊर्जा, आवेग एवं संवेग और भार एवं बल। तो क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित युग्म में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं, तो वह अपने को बताना है। तो इनमें से बल एवं दाब क्या होगा, सही होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्मा संवाहकता गुणांक की विमा है, तो उष्मा संवाहकता गुणांक की जो विमा होती है ना दोस्तों, वह अपन देखेंगे MLT-3 θ-1 अपने को देखने को मिलती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, बल, चाल, ऊर्जा या तापमान। तो वेक्टर मात्रा अपन किसे कहेंगे, बल को। बी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। तो सदिश राशि नहीं है वह वेग। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, ऊर्जा, बलागुण, संवेग या सभी। तो अदिश राशि जो है वह कौन सी है इनमें से, ऊर्जा है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 21 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। तो एक सदिश राशि कौन सी है दोस्तों इनमें से, तो वह अपनी संवेग है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयतन होगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो इनमें से सदिश राशि कौन सी है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, वेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है इनमें से, चार सूत्र आपके सामने दे रखे हैं। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र देखिए, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि जो फर्स्ट दे रखा है वह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। तो सही क्या होगा दोस्तों, इसका होगा द्रव्यमान। सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होता है, गति समान, समान वेग, समान त्वरण या समान बल। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो गति वगैरह क्या समान होता है इसके अंदर, तो इसमें देखते हैं अपन, जो त्वरण जो होता है वह समान होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, एक लड़की जो है वह झूले पर बैठी स्थिति में क्या कर रही है, झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, आवर्तकाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दो ही ऑप्शन है देखो, कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा।
तो जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट है वह सब जानते हैं, वह क्या हो जाएगा, कम है, हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 28 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा अपन करते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी घूर्णन कर रही मेज और घूर्णन करते हुए पर अचानक लड़का बैठता है तो कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेज का कोणीय वेग, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का जो क्वेश्चन है अपने, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, संवेग दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, और उपयुक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। अगर वेग दुगुना अगर अपन कर देना दोस्तों तो वहाँ पर क्या होगा, संवेग भी दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त दोनों सही है इसके। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों होता है। पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है दोस्तों, द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। इसलिए अपन कहते हैं पिंड के द्रव्यमान और भार में क्या होता है, अंतर है, होता है, क्योंकि द्रव्यमान को स्थिर माना गया जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता है। तो यह गति का एक नियम है दोस्तों, तो बताइए ये कौन सा नियम है। बिल्कुल सही, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, यानी कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है, उत्पन्न त्वरण होता है, वह क्या होता है, वह बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में, यानी ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और क्रिया प्रतिक्रिया नियम न्यूटन का कौन सा नियम है दोस्तों, तृतीय नियम है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है। तो जल में तैरना अपन देखते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होता है, यानी अपन जल को क्या होते हैं, तैरते समय पीछे धकेलते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप जल अपने को आगे धकेलता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम, और ये कौन सा है, थर्ड नियम है, सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। नियम तो अपन कहते हैं कि यह क्या है कि फर्स्ट नियम है, लेकिन एक कथन किसका है, तो यह कथन माना जाता है न्यूटन का, क्योंकि गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे, इसलिए कथन भी उसी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए प्रथम कथन क्या कहता है, कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जा सकती है, और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, या सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा इनमें से। तो देखो तीनों बातें हैं ना दोस्तों, वह क्या है, यहाँ पर सही है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात होती है, और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में
किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे कहते हैं गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अक्रियता। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं जड़त्व, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है दोस्तों वह कहलाता है जड़त्व का नियम, कहलाता है बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर का क्वेश्चन, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे की ओर बढ़ता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अपन देखेंगे पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित जो बल होता है उससे अपन कहते हैं कि घोड़ा आगे बढ़ता है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 40 नंबर, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? इसका कारण भी फिजिक्स के स्टूडेंट आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए सी ऑप्शन, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जो होता है वह जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में बना रहता है, जिसके कारण से अचानक रुकते या ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिरते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 41 नंबर का क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली, एवोगाड्रो या संवेग संरक्षण? तो रॉकेट जो कार्य करता है वह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर करता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है ना वह तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन देखिए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो या हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण ये होता है दोस्तों कि बॉल विश्राम की अवस्था में आ सकती है, ए ऑप्शन अपन मानेंगे सही होगा। आगे देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो बल जो गुणनफल है वह किसका होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है, भार में परिवर्तन होता है या मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती, क्या होता है शरीर में? तो इस समय अपन देखते हैं उसके शरीर के अंदर भार जो होता है वह घट जाता है तथा मात्राएं परिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 45 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्व त्वरण जी के मान में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं यदि हम भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी के मान में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, ए ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स जनरल साइंस या रेट साइंस या किसी भी साइंस एग्जाम की दृष्टि से। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से अपने चैनल से ज़रूर जुड़िए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।